सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, यू आर वॉचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम आपको पता है, जैसे कि UGC से बोला गया है 6 जुलाई को, उसको लेकर केस चल रहा है अभी। पर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लेट होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट पे केस, वो लोग ऑलरेडी एग्जाम कॉन्डक्ट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम कॉन्डक्ट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं, और ऑनलाइन एग्जाम को क्यों मैंने एक जोक बोला है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर इस चैनल पर है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या क्या चाहिए वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एग्जाम के लिए अच्छा एक फोन, स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप आपको चाहिए। हो सकता है ये हम लोग पकड़ लिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास है, नहीं है, हम लोगों को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास एक्चुअली नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स के पास एक्चुअली है, पर फिर भी हम लोग पकड़ लिए कि हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास ये है जो जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम ले रहे हैं ऑनलाइन मोड पे। अब उसके बाद क्या चाहिए, सेकेंड चीज़ गुड इंटरनेट क्वालिटी, जो भी हम लोग पकड़ लिए सबके पास है। तो ये दोनों चीज़ मैंडेटरी है अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। थर्ड क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट इस टाइम के अंदर है, कि स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाया नहीं गया है ठीक से। ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए पढ़ना भी पड़ता है पहले, स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं गया है, हाफ पढ़ाया गया है स्टूडेंट्स को, हाफ सेमिस्टर वो लोग घर पे बैठ के पढ़े हैं, और वहाँ पे भी इतना इंटरनेट प्रॉब्लम होने के लिए डिफरेंट स्टेट्स पे वो लोग ठीक ठाक से पढ़ नहीं पाए। हाँ, जो स्टेट में सब कुछ ठीक है उसका बात मैं नहीं कर रहा, मैक्सिमम ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे स्टूडेंट ठीक से पढ़ नहीं पाए, अपना बुक्स हॉस्टल में या फिर PG पे छोड़ के आए हैं। तो जो जो स्टूडेंट्स इस टाइम के अंदर फाइनल ईयर एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन मोड पे, वो ये तो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये तीनों प्रॉब्लम मैंने अगर पकड़ भी लिया कि तीनों सभी का ओके है, सब कुछ पढ़ के भी रखे हैं सभी ने, ऑनलाइन आप बोल सकते हैं जो उनका इंटरनेट क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है, या फिर फ़ोन या लैपटॉप भी सभी के पास है, फिर भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं GTU का दिखा रहा हूँ, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जब एग्जाम के लिए हम लोगों को एंट्री करने के लिए बोला जा रहा है, जब हम लोग वो साइट पे क्लिक करके ओपन कर रहे हैं, तो हम लोग बार बार लॉग आउट हुए जा रहे हैं, लॉग इन कर रहे लॉग आउट हो जा रहे, मतलब उनका जो साइट है वो साइट भी ठीक से काम नहीं कर रहा। ये प्रॉब्लम कुछ टाइम पहले आपको पता है, जब दिल्ली ओपन बुक टेस्ट जब एग्जामिनेशन लेंगे बोले थे एकदम पहले, तब एक ट्रायल एग्जाम हुआ था कि स्टूडेंट्स ठीक से एग्जाम दे पा रहे हैं या नहीं, वहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं हुआ था स्टूडेंट्स को, कि वो लोग लॉग इन ही ठीक से नहीं कर पा रहे। अगर लॉग इन कर रहे हैं तो वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जा रहा है, और अगर लॉग इन कर भी रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं, बीच रास्ते पर लॉग आउट हो जा रहा है। और टाइम आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम में टाइम इन कम्पेयर टू ऑफलाइन एग्जाम थोड़ा कम होता है, तो ऐसे करते करते अगर टाइम ही चला गया तो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे कैसे। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन को ही प्रेफर करेंगे, नॉर्मल बात है, क्योंकि ऑफलाइन में रिस्क लेना कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस चीज़ को रिजॉइंडर पे सामने लाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट पे रिजॉइंडर 8 अगस्त को जाएंगे। मैं डेफिनेटली बोलूँगा ये वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि ये पॉइंट्स ज़रूरी पहुँचे जो लोग रिजॉइंडर पब्लिश करेंगे उनके पास, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑनलाइन एग्जाम बोलिए, ऑफलाइन एग्जाम बोलिए, ब्लेंडेड मोड बोलिए, कोई भी तरीके से एग्जाम लेना हर एक यूनिवर्सिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी को वहाँ से तो UGC से तो क्लियरली ये बोला जा रहा है, जो यूनिवर्सिटीज ऑफलाइन एग्जाम नहीं ले पा रहे वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम लीजिए। तो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे कैसे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है, वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो एग्जाम लेंगे कैसे। इसका आंसर अगर UGC दे पाए तो अच्छा बात है, वरना UGC को डेफिनेटली अपना गाइडलाइन चेंज करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स लोग स्ट्रिक्टली चाहते हैं, और डेफिनेटली मैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हूँ। UGC जो भी बोले हम लोग लगे रहेंगे, हम लोग बोलेंगे, लास्ट तक हम लोग लड़ेंगे, देखेंगे हम लोगों के लिए क्या हो रहा है। तो ऑफलाइन एग्जाम को टोटल मैंने एक जोक बोला है, क्यों बोला है आपको पता चल गया, क्योंकि कहीं पे भी ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बोला ये कंप्लीटली हर एक स्टूडेंट्स के पास ओके नहीं है। किसी स्टूडेंट के पास अगर फर्स्ट जो 3 मैंने पॉइंट बोला, गुड इंटरनेट क्वालिटी, लैपटॉप या फिर मोबाइल, एंड उसके साथ साथ प्रिपरेशन, ये तीनों अगर कोई स्टूडेंट के पास है भी, उसके बाद भी कोई स्टूडेंट्स का अगर कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद कोई स्टूडेंट्स का जो ऑफिशियल साइट है यूनिवर्सिटी का वो साइट क्रैश कर जा रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं लॉग आउट हो जा रहे हैं, तो ये सब जो टेक्निकल फॉल्ट्स है ये होते ही जा रहे हैं, ये कैसे ठीक होगा। तो
तो ये इसका आंसर मुझे लगता है डेफिनेटली यूजीसी को देना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट एक टाइम के अंदर ये प्रॉब्लम फेस करे तो मुझे लगता है उसके लिए डिफरेंट कोई डेट देना चाहिए जहां पे वो एग्जाम दे पाए। और क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन इजी होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स का कोई भी फॉल्ट नहीं है मुझे पता है, क्योंकि लॉग आउट हो रहा है ये कंप्लीटली जो आप बोल सकते हैं जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है उनका प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूं जो यूनिवर्सिटीज के अच्छे अच्छे हेल्पलाइन नंबर पर जो लोग बैठे हैं वो जरूरी स्टूडेंट्स को हेल्प करें, क्योंकि मैक्सिमम जहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे फोन करने के बाद ये बोल रहे हैं कि आप लॉग इन करते जाइए, एक ना एक टाइम के बाद आपका लॉग इन हो जाएगा। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स के पास टाइम कितना बचेगा, तो आप टाइम ये पूरा हटा दीजिए, जब भी लॉग इन होगा उसके बाद से टाइम काउंट होगा। तो ये सब जो सिस्टम है इसको जरूरी सोचना चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी को, अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग डेफिनेटली बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यही मुझे बोलना था ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। ऑनलाइन एग्जाम को जोक मत बनाइए, ऑफलाइन एग्जाम से डेफिनेटली ऑनलाइन एग्जाम अच्छा है। आप अगर ले सकते हैं तो ही लीजिए, क्योंकि सारा स्टूडेंट्स का बात समझना पड़ेगा। अगर एक भी स्टूडेंट इसके लिए आप बोल सकते हैं हार्म पहुंच रहे एक भी स्टूडेंट्स के लाइफ पे, तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और लास्ट पे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स पे घर बैठे एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। डेफिनेटली ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक आप बोल सकते हैं स्पेशल चीज़ बोल रहा हूँ। कोई भी अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कीजिए, और हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके यूनिवर्सिटी में ज़रूरी बताइए कि इस टाइम के अंदर हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको हम लोगों को हेल्प कीजिए। और ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिबल है, इसके वजह से आप मुझे टाइम ज़्यादा दीजिए इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। जो लोग नॉर्मली कर पा रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आपका इंटरनेट क्वालिटी का, आपका फ़ोन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली हेल्पलाइन नंबर से जब आप बात करेंगे, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से जब आप बात करेंगे एग्जाम लेके ऑनलाइन एग्जाम देने के टाइम में, तो ज़रूर ये बोलना कि टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया जाए, क्योंकि विदाउट एक्स्ट्रा टाइम आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आपका पेपर। तो ये डेफिनेटली आप फ्रैंकली बात कीजिए अपने यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी आपका ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली ऑनलाइन एग्जाम को लेके ये बोलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम को मजाक बना के रखा है कोई कोई ऐसे जगह है, कोई कोई ऐसे आप बोल सकते सिस्टम है, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं है। मैं कोई भी यूनिवर्सिटी को नहीं बोल रहा हूँ कोई भी आप बोल सकते खराब चीज़, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी दोस्त नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग अगर ऑप्शन दो ही है उनके पास ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो डेफिनेट बात है हर एक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन को ही चूज़ करेंगे। पर ऑनलाइन चूज करने के बजाय से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए, या फिर डिफरेंट कोई यूनिवर्सिटी से हेल्प लीजिए जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनसे आप एग्जाम आप बोल सकते हैं करवा लीजिए, उनका वेबसाइट यूज कीजिए, उनसे आप बात कीजिए। अपना वेबसाइट अगर उतना भी अच्छा नहीं है तो उससे एग्जाम लेके आपका क्या होगा, क्योंकि मोर देन 2,000, 3,000, 20,000 स्टूडेंट जब भी एक साथ लॉग इन करेंगे तो वेबसाइट क्रैश कर जा रहा है, उतना अच्छा वेबसाइट नहीं है। तो ये सब चीज़ मुझे लगता है डेफिनेटली चेक करना चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी को। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक यूनिवर्सिटी को, प्लीज़ ये सब चीज़ आप देखिए। और यूजीसी को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सब मैटर के बारे में आप ज़रूरी सोचिए, उसके बाद भी कोई भी डिसीजन दीजिए। 7th आप बोल सकते हैं अगस्त को जब कुछ डिसीजन आप देंगे, डेफिनेटली यूजीसी को सोच के डिसीजन देना चाहिए। एंड हम लोग चाहते हैं रिजॉइंडर पे मेरा ये जो पॉइंट्स है मैं डेफिनेटली चाहता हूँ ये सामने लाया जाए। तो ये वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सभी जगह पे ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हर एक फ्रेंड के पास ये वीडियो पहुंचे। और इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है ये वीडियो का वो कट करके ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पे पोस्ट कर सके, ताकि सभी के पास ये पॉइंट्स पहुंचे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑनलाइन एग्जाम अगर लिया जाए तो भी दिमाग पे रखना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो जरूरी कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो का जय पेंट करते, तब तक के लिए बाय बाय।